चलिए यहाँ पे है वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग ऑन ड्रग्स, कोई व्यक्ति जो क्या किसी चीज़ पे डिपेंड है या ड्रग्स पे डिपेंड है उसको एडिक्ट बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड है फियर ऑफ बींग इनक्लोज इन स्मॉल क्लोज स्पेस, डर जो छोटे स्थानों से जिनको डर लगता है वो क्या है, वो क्लॉस्ट्रोफोबिया। थर्ड है कॉल अपॉन गॉड या एनी अदर पावर फॉर हेल्प या प्रोटेक्शन, जो गॉड को या कोई अदर पावर को क्या करते हैं, अपने को बचाने के लिए बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्वोकेशन। सरली अब्यूजिव राइटिंग जर्नल्स, जो अभद्र पत्रकारिता में जो अभद्र लेख लिखते हैं उनको बोलते हैं अस्कर्डियस। ए पर्सन हु अपोजेज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, वैसे व्यक्ति जो क्या है शांति का, जो वार का विरोध करते हैं और शांति में यकीन रखते हैं, तो पेसिफिस्ट हो गया। वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, जिसको गलत या सही से कोई मतलब नहीं है, तो वो हो गया आपका एमोरल। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो अब यूज में नहीं हो, जो प्रचलन से बाहर हो, उसको हो गया ऑब्सोलेट। स्टिल्थली डन, अरे चुपके चुपचाप कोई चुराया हुआ सामान या कुछ किया हुआ, तो आपका होगा सरपेटियस। वर्ड्स रिटन ऑन टॉप, मतलब मकबरे पर कुछ लिखा हुआ था, इफ इज टफ आपका होता है। ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक व्यवसाय में बहुत लंबे समय का अनुभव, तो होगा रिटर्न। समथिंग केपेबल ऑफ बींग डन, जो कुछ संभव है, कुछ किया जा सके। ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, मतलब बाहर से लोग आकर यहाँ रह रहे, तो इमिग्रांट। एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो अब प्रचलन से बाहर है, तो ऑब्सोलेट हो गया। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, जो अपना कर्ज देने में अब क्या है सक्षम नहीं है, तो इंसॉल्वेंट। केपेबल ऑफ बींग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयर फॉर नॉट डेफिनेट, केपेबल जो क्या हो, केपेबल हो दो और मोर, दो से ज़्यादा से मतलब पॉसिबल सेंसेस को समझने के लिए, बट वो क्या डेफिनेट नहीं हो, तो हो गया एम्बिगुअस। एक शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, लाइक छोटी सी पोएम या स्पीच जब ड्रामा को ड्रामा ख़त्म होने के बाद जो कंक्लूजन के तौर पर बताया जाता है। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, मतलब पैसों को बनाने के लिए किसी को धोखा देना, उसको फ्रॉड। फ्लैट मेटल ऑफ प्रोकिलियन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल ऑन एज ए ऑर्नामेंट और मेमोरियल, तो उसको फ्लैग बोलते हैं, जैसे आप कोई प्राइज वगैरह जो जीतते हैं वो आपका हो गया। टू कट समथिंग इंटू टू पीसेस, दो भागों में बांटना, तो अगर सेवन। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, उत्तराधिकारी जो एक ही क्या फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो राजवंश हो गया। टू सीज कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो ए न्यू डेस्टिनेशन और डिमांडेड समथिंग, कंट्रोल को क्या करना, सीज कर लेना, पावर को अपने हाथों में ले लेना, तो आ गया हाईजेक हो गया। लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट, मतलब थोड़ी देर के लिए। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, उदासीन हो जाता है, जो सुख में और दर्द में क्या हो एक समान हो। द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग ईटिंग गुड फूड, एक प्रैक्टिस मतलब एक ये जो बनाने का और खाने का है, तो आपका होगा गैस्ट्रोनॉमी। किलिंग ऑफ चाइल्ड, बच्चे को हत्या हो जाता है आपका इन्फेंटिसाइड। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन ऑन ऑल स्फीयर्स, जो वुमेन्स को क्या करता है सभी जगहों पे बराबर अपॉर्चुनिटी देता है, उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं। वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मीनिंग्स ऑफ ओपिनियन पोल, उसको सोशियोलॉजिस्ट, जो चुनाव को क्या करता है, चुनाव के ट्रेंड को पढ़ता है या समझाता है। ये डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेन, जो डॉक्टर बच्चों को देखता है उसको पेडियाट्रिशियन बोलते हैं।